भारतीय गणराज्य के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। मुख्य समारोह में उज्जैन जिले के प्रभारी एवं वित्त वाणिज्य कर आर्थिक एवं योजना सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया गया। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 9 बजे दशहरा मैदान पहुंचे तथा यहां उन्होंने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया व गुब्बारे छोड़े। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल मुख्य अतिथि के साथ थे। निरीक्षण के उपरांत प्रभारी मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया गया। इसके बाद जिला पुलिस बल, होमगार्ड, सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी द्वारा आकर्षक मार्चपास्ट निकाला गया। मार्चपास्ट के बाद प्रभारी मंत्री ने कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। आकर्षक झांकियां निकली। मार्चपास्ट के बाद विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। सबसे पहले नगर निगम द्वारा स्वच्छता पर आधारित झांकी निकाली गई। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एक्सप्रेस लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन पर आधारित तथा जल संसाधन द्वारा उज्जैन जिले के ग्राम रमजान खेड़ी में बनाए जा रहे बैराज पर आधारित और महिला बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पर उद्यानिकी विभाग द्वारा पाली हाउस खेती, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से बचाव एवं वैक्सीनेशन पर, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा उन्नत खेती के तरीकों को दर्शाते हुए झांकी का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा नानाखेड़ा बस स्टैंड के समीप बनाए जा रहे फ्लैट्स व महाकाल मंदिर में विकसित किए गए सुविधा केंद्र के आधार पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा एक जिला उत्पादक भैरवगढ़ प्रिंट पर झांकी का प्रदर्शन किया गया। प्रभारी मंत्री द्वारा कार्यक्रम के बाद पुरस्कार का वितरण किया गया। उन्होंने जिले में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। झांकियों में उज्जैन विकास प्राधिकरण की झांकी को प्रथम, जिला पंचायत की झांकी को द्वितीय तथा स्वास्थ्य विभाग की झांकी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी तरह परेड में प्रथम स्थान पर जिला पुलिस बल महिला प्लाटून, द्वितीय स्थान पर जिला होमगार्ड प्लाटून, तीसरे स्थान पर 32वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल की प्लाटून तथा चतुर्थ स्थान पर जिला पुलिस बल पुरुष की प्लाटून रही। सभी कमांडरों को शील्ड प्रदान की गई। समारोह में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, संभागायुक्त संदीप यादव, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया, जिला पंचायत के प्रशासक करण कुमारिया, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, विवेक जोशी, विशाल राजौरिया, अशोक प्रजापत, किशन सिंह भटोल सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह का संचालन शैलेंद्र व्यास, स्वामी मुस्कुराके व श्रीमती पद्मजा रघुवंशी द्वारा किया गया। भारतीय गणतंत्र के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जनगण के जय घोष के साथ आजादी के अमृत काल का यह संगम निश्चय ही अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है।